उद्योग श्रम एवं रोजगार तकनीकी शिक्षा व्यावसायिक व औद्योगिक प्रशिक्षण मंत्री विक्रम सिंह ने हमीरपुर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला ताल में आयोजित जनमंच की अध्यक्षता की। इस जनमंच में 122 शिकायतें प्राप्त हुई, जिनमें से अधिकांश का मौके पर ही निपटारा कर दिया गया। इस अवसर पर विक्रम सिंह ने कहा कि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के नेतृत्व में प्रदेश सरकार समाज के प्रत्येक वर्ग के उत्थान के लिए कृत संकल्प है। आम व्यक्ति तक सरकार जाए और आम व्यक्ति की बात सुनी जा सके, इसी उद्देश्य से जनमंच का सफल आयोजन प्रतिमाह जिला की एक विधानसभा क्षेत्र में किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि हमीरपुर जिला का ये 14वां जनमंच यहाँ आयोजित किया गया है। प्रदेश सरकार का प्रयास है कि जनमंच के माध्यम से अंतिम पंक्ति के व्यक्ति को घर द्वार पर ही सभी सुविधाएं प्रदान कर उसकी समस्याओं का यथासंभव हल किया जा सके। उन्होंने कहा कि सभी विभाग और अधिकारी जनमंच की गंभीरता को आत्मसात करें और पूर्ण तैयारी के साथ अपना पक्ष रखें। उन्होंने कहा कि अधिकारी जनमंच पूर्व अधिकांश समस्याओं का निपटारा सुनिश्चित करें और आम जनमानस के साथ जुड़कर सरकार की योजनाओं की विस्तृत जानकारी भी उन तक पहुँचाएं। उन्होंने इस अवसर पर विभिन्न विभागों की प्रदर्शनियों का अवलोकन किया और विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को सम्मानित भी किया। उन्होंने बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ योजना के अंतर्गत 15 नवजात बेटियों के परिजनों को उपहार व प्रमाण पत्र, बेटी है अनमोल योजना की 6 लाभार्थी बेटियों को 12,000 रुपए के सावधि जमा योजना के ड्राफ्ट तथा 20 आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के किट वितरित किए। इसके अतिरिक्त हिमाचल गृहिणी सुविधा योजना के अंतर्गत ग्राम पंचायत साहनवी ताल डुग्घा डिडवी टिक्कर व गसोता की 57 लाभार्थियों को योजना के दस्तावेज वितरित किए। उन्होंने एक बूटा बेटी के नाम अभियान के अंतर्गत पाठशाला परिसर में अशोक का पौधा भी रोपित किया। उपायुक्त हरिकेश मीणा ने कहा कि जनमंच पर प्रस्तुत सभी शिकायतों का समयबद्ध निपटारा संबंधित विभागों के माध्यम से सुनिश्चित किया जा रहा है। उन्होंने आश्वस्त किया कि आज यहां प्रस्तुत समस्याओं का यथासंभव हल किया जाएगा। जनमंच के अवसर पर स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग तथा आयुर्वेदिक विभाग द्वारा निःशुल्क स्वास्थ्य जाँच शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें 104 लोगों का स्वास्थ्य परीक्षण किया गया। इसके अतिरिक्त कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंधन अभिकरण के माध्यम से प्राकृतिक खेती में कार्य कर रहे चुनिंदा कृषकों द्वारा अपने उत्पाद बिक्री हेतु रखे गए स्वयं सहायता समूहों के उत्पाद भी बिक्री किए गए। PLTV के लिए हमीरपुर से विकास की रिपोर्ट।